हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी विथ जय। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ग्रामर और उसके महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रामर क्या है और उसका महत्व क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में ग्रामर का बहुत ही महत्व है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें ग्रामर के बारे में जानेंगे, ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ग्रामर का। तो डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, द वे ऑफ लर्निंग करेक्ट टू राइट रीड एंड स्पीक इज कॉल्ड ग्रामर। शुद्ध शुद्ध लिखने पढ़ने तथा बोलने की कला यानी विधि को व्याकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी लाइंस हम लिखना शुरू करते हैं तो ग्रामर की शुद्धता पर निर्भर करता है। विदाउट करेक्शन ऑफ लैंग्वेज नथिंग इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे जानेंगे ग्रामर के डिवीजन्स। तो ग्रामर के डिवीजन्स के बारे में जानेंगे, डिवीजन्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स ग्रामर। तो देयर आर फोर डिवीजन्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स ग्रामर। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में वर्ण विन्यास बोलते हैं। सेकंड एटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में शब्द विन्यास बोलते हैं। थर्ड सिंटेक्स, जिसको हिंदी में वाक्य रचना बोलते हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है प्रोसोडी, जिसको हिंदी में छंद विचार कहते हैं। स्टूडेंट्स, और एक एनबी में आता है, एनबी यानी नोटा बिनी, भली भांति ध्यान दो। उसमें एक पंक्चुएशन आता है जिसका व्याकरण में बहुत ही महत्व है। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले ऑर्थोग्राफी के बारे में बताऊंगा। ऑर्थोग्राफी क्या है? ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विन्यास क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो द स्टडी ऑफ लेटर अल्फ़ाबेट एंड सिलेबल इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। हिंदी में अक्षर वर्णमाला तथा शब्दांश का अध्ययन ही वर्ण विन्यास कहलाता है। तो व्याकरण में अक्षर वर्णमाला और शब्दांश का बहुत ही महत्व है। ये आपका बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अक्षर क्या होता है? तो अक्षर के बारे में हम बताएंगे, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं। देखिए, लेटर यानी अक्षर किसे कहते हैं? तो द लिटिल साउंड व्हिच इज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इज कॉल्ड लेटर। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे टुकड़ों में न बांटा जाए अक्षर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अक्षर को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। ईजी अर्थात एग्जाम्पली ग्रेसिया, जिसका पूरा नाम है एग्जाम्पली ग्रेसिया, मीन्स जैसे, या उदाहरण के लिए, तो ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक में एक एक को अक्षर कहेंगे। तो ये ए से लेकर जेड तक में एक एक निकालेंगे तो ये अक्षर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा रहा? पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आगे का विस्तृत अध्ययन मैं अगले वीडियो में दूंगा।